वालेकुम अस्सलाम, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या अलैकुम, मेरा नाम निदा कामरान है, गनी ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की सीईओ हूं मैं। और ये इस तरह के पाकिस्तान में मैं इवेंट्स और मेगा क्लासेस जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती हूं, और इसका जो है मकसद वो स्किल्स डेवलपमेंट का है। और हम चाहते हैं कि हम इज्जतदार जो है वो रोज़गार जो है बच्चियों को फराहम करें। और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई है इन कोविड के दिनों में, तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे जो तीन तीन चार चार महीने के कोर्सेज थे वो वन डे वर्कशॉप में सीख कर बच्चियाँ डिप्लोमा हासिल करें और इज्जतदार रोज़गार कमा सकें। जी, मेरा नाम आयशा है और मेरे जो सैलून का नाम स्टाइल एंड ब्यूटी सैलून है, मेरे सैलून का नाम। और आज मैं अपनी ब्राइड लेके आई हूँ जी। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। सर कामरान जो हैं बड़े अच्छे हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और मैम नीता भी माशाल्लाह काफ़ी हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले कि बहुत मज़ा आया आज हम लोगों को यहाँ पे। आज यहाँ पे इवेंट था इसलिए हम लोग को यहाँ पे पार्ट कर लेना पड़ा, इसलिए हम आज अपने मॉडल लेके आई हूँ मैम। देखिए माशाल्लाह मुझसे अच्छी अच्छी यहाँ पे ब्राइड्स हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी ब्राइड बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्राइड्स हैं, मुझसे अच्छी बहुत ब्राइड्स हैं। ये तो लक पर डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने पर बहुत कॉन्फिडेंस है और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और हम देखे ये फील्ड ऐसी है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझसे बहुत बहुत अच्छी यहाँ पर ब्यूटी चैनल है। चाहूँगी कि ये आज का इवेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। मैम नादिया ने इसको, निदा खान ने सॉरी, इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए क्योंकि इससे ना सिर्फ हमें सीखने का मौका मिलता है बल्कि हम लोगों को यहाँ से अपनी सलाहियतों को उभारने का भी मौका मिलता है। ये ओवरऑल तो ये इवेंट बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट में कमी रह गई। ये रह गई कि डेमोटेशन में बहुत हुल्लड़बाजी सी कर दी थी, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि जब हम घर से सीखने के लिए निकलते हैं तो हम लोगों को सिर्फ सीखना चाहिए, ना सिर्फ कि यहाँ सेल्फियाँ लेनी चाहिए। बाकी ओवरऑल ये क्लास बहुत मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और इस तरह का मैं बार बार कहूँगी कि इवेंट हों ताकि हम लोग बहुत सीख के ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया। और आज मैं यहाँ पे मिस निदा के शो में आई हूँ। अच्छी वर्कशॉप हो रही है, ओवरऑल बहुत अच्छा सारा काम सिखाया जा रहा है। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बुलाए हैं उन्होंने हमारे लिए कराची से, इस्लामाबाद से। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये मानना है कि ऐसी वर्कशॉप होती रहनी चाहिए ताकि हमारी स्टूडेंट्स को, हमारी ब्यूटिशियंस को कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन जब जहाँ मैं एक और पॉइंट है ये ज़रूर दूँगी कि जहाँ हम लोग इतने बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें हम जो ब्यूटिशियन आती हैं, हमारे जो लोग आते हैं, मेंबर्स होते हैं, सब हम सबको उनके साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। थोड़ी सी मिस निदा से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका सारा काम बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा दिया आपने, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि ऑर्गेनाइज़र गलती करते हैं, इसमें ऐसा होता है समटाइम कि हमारी मैनेजमेंट जो हमारी ब्यूटिशियन भी होती है ना,
वो भी तहमल से एक जगह पे नहीं बैठते हैं। ये आप लोगों का फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजर की बहुत सारी एनर्जी होती है इसके पीछे वेस्ट कर रहा होता है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ। इसके साथ साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम ब्यूटिशियन से भी कि आप लोग ऑर्गेनाइजर के साथ कोऑपरेट किया करें, और ऑर्गेनाइजर लोगों से ये है कि आप लोग जो है ना वो सर्विंग के टाइम अपनी मैनेजमेंट को जो है ना वो अच्छे से ब्रीफ किया करें। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हिंदा मुगल और मेरे पॉलर का नाम मिर्हा सैलोन है, और मैं यहाँ मैम के इवेंट पे आई हुई हूँ, अपना ब्राइड को लेके आई हूँ। मेरा अवार्ड शो भी है, ठीक है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्यू वालों की और सनी ग्रुप की तरफ से शील्ड भी मिली है। आज ये मेरा मेकअप कंपटीशन था तो इसलिए मैं इनको लेकर आई हूँ साथ। मेरे लिए तो 10 में से 10 हैं। इंसान को ना उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद और नीयत अच्छी हो तो कामयाब है। मेरा नाम नगमा है और मैं इनके सैलोन में इनके साथ काम करती हूँ, मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम साइमा इश्तिहार है और मैं अलीशा ब्यूटी सैलून से बिलोंग करती हूँ। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। ये मेरी ब्राइड है, कंपटीशन में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ही बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और इंशाल्लाह तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, और मैं पहले भी इन्हीं से ही तैयार हो चुकी हूँ 2 से 3 और फर्स्ट पोजिशन मैंने गेन की है। फ्रॉम कराची, और आज स्पेशल अपने लहरियों के मोहब्बत में यहाँ आई हूँ, और स्पेशल एक मोहब्बत ये है मेरी हिना, जो माशाल्लाह हमारी यहाँ की बहुत अच्छी बेस्ट ब्यूटिशियन, बेस्ट ऑर्गेनाइज़र और मिस रानिया बेस्ट लेडी कंफर्ट ब्यूटी सैलून से हैं ये, और बहुत अच्छा इनका काम है, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं साथ में कहना चाहूँगी कि इसी तरह से हमारे इवेंट्स होने चाहिए और हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और जब हमारे मुल्क की ख़वातीन आगे बढ़ेंगी तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान पीछे हो गया है, तो अब हम ख़वातीन को भी अपने जेंट्स के साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का एक नाम हो। सलाम पाकिस्तान, विजिट टू पाकिस्तान, पाक आर्मी ब्रांड एम्बेसडर मैम अफशान रऊफ, कराची। वालेकुम अस्सलाम, मैं हिरा अमार, मेरे सैलून का नाम है स्टाइल ब्यूटी सैलून, और मैं आज इवेंट पे आई हुई हूँ। प्लेटिस में ब्यूटी इवेंट है हमारा, बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत इवेंट था ये हमारे लिए। ये मेरी मॉडल है, इनको ये सेकेंड प्राइज़ मिला है, कंपटीशन था हमारा ब्राइडल कंपटीशन में, उसमें सेकेंड प्राइज़ मिला है इन्हें, हम विनर हुए हैं सेकेंड प्राइज़ में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा है मुझे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रेडी किया मुझे, और ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया। और आपको भी किसी को मेकअप करवाना हो आप ज़रूर स्टाइल ब्यूटी सैलून से रब्ता करें। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो न्यू स्टूडेंट आने वाली हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि यार आप इस फील्ड को ईजी मत लो। ये नहीं कि आपने एक माह लगाया, दो माह लगाया, इसके बाद आपको स्किप कर दो। ये नहीं होता कि आपने दो माह लगा के जस्ट आपको आईब्रो आ गए अपने सैलून में, आप लोग छोड़ के तो अपने घरों में खोल के बैठ जाते हो। यार ये गलत बात है, इसको ये तो एक दलदल है, आप जितना इसमें घसोगे आपको उतना ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो फॉर गॉड से इसको इजी मत लो, बल्कि इसको एस्टेब्लिश लो, अपने एरिया में अच्छे एरिया में से खोलो, जितना हो सकता है आप इसे कुछ ना कुछ सीखो, अपने सीनियर से कुछ सीखो। आप ये नहीं कह सकते कि भी हम लोगों ने थोड़ा सा काम सीखे और हम लोग बहुत बड़ी ब्यूटिशियन हो गई हैं। नहीं, हमें अपने पर इतना फ़ख्र नहीं करना चाहिए, अपने पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यार आप ये देखो कि आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे ब्यूटिशियंस बैठे हुए हैं जिससे आप अभी कुछ ना कुछ सीख सकते हो, तो प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ सीखें। थैंक यू सो मच। जितनी भी न्यू जनरेशन जो बच्चियाँ हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप काम सीखते हैं तो आप प्रॉपर सीखें, ये नहीं हो कि आप 3 मंथ या 6 मंथ के बाद सीख कर तो आप अपना सैलून बना लें। आप एक प्रॉपर गाइडलाइन लें इस सिलसिले में, ताकि आप कल को जब भी अपना काम करें उसमें आप कामयाब हों।
और ये नहीं हो कि आपके पास आने वाला कोई ये समझे कि हम पता नहीं कहाँ से होकर आए हैं। आप एक प्रॉपर जो है एजुकेशन लें इस चीज़ की, सेल्फ ग्रूमिंग भी करें और अपने काम को भी आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तिंजा है, मेरे सैलून का नाम मिरहाज मुगल है। मेरे आने वाले स्टूडेंट के लिए यही है कि आप अपने आप को अच्छी तरह ग्रूम करें। इस फील्ड में कुछ ब्यूटिशियंस ऐसी हैं जो बहुत बदनाम है, क्यों? क्योंकि उनका काम अच्छा नहीं होता। तो हर ब्यूटिशियन से मेरी रिक्वेस्ट है, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रूम किया जाए, ताकि आप लोग भी कल को हमारी इस जगह पे आके खड़े होकर आपको भी एक अच्छा नाम मिल सके। हम एक एक दो दो महीने सीख के हम अपने आप को ग्रूम नहीं करते, हम अपने अपने सैलून्स खोल लेते हैं। उसमें ये होता है कि आपने 2 महीने सीख लिया, उसमें आपकी कोई फील्ड आगे नहीं बढ़ सकती। आपने 2 महीने सीखा वही बस है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ इतने महीने इतने साल लगा कर आई हूँ, ठीक है, पर अभी भी मैं यही कहती हूँ कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि फैशन एक जैसा नहीं रहता। तो काइंडली आपको चाहिए कि अगर आपने इस फील्ड को अच्छे से स्पेंड करना है, तो आपको चाहिए कि डेली कुछ ना कुछ नया सीखें और लोगों को सिखाएं। और मैं पाकर्मी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ऑल पाकिस्तान ट्रेनर हूँ अफशन ब्यूटी एकेडमी की तरफ से, और मैं आज इस इवेंट पे मौजूद हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी अपनी उन ब्यूटिशियंस के लिए पैगाम कि जो आप लोग 1 मंथ या 1 वीक का कोर्स करती हैं और उसके बाद आप लोग अपने सैलून को खोलती हैं और काम करती हैं, तो मैं आप सब से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि आप सब एक इंटरनेशनली ट्रेनर से ट्रेनिंग हासिल करें, उसके बाद आप लोग अपने वर्क को एज अ ब्यूटिशियन काम करें। क्योंकि जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं अब तक सीखती आई हूँ, लर्निंग प्रोसेस है हमारा ये, वक्त के साथ साथ फैशन बढ़ता है, तो इसलिए आप लोग भी वक्त के साथ साथ सीखें और ये छोटे मोटे जो सैलून्स बनाए हैं आप लोगों ने उस पर भी अच्छा वर्क करें, लेकिन सीख के करें। आप लोग ट्रेनिंग हासिल करें, हम आपकी सिटी आते हैं आपको ट्रेनिंग देने, आप लोगों को सिखाने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ब्यूटिशियनों से बहुत सेटिस्फाई होती हूँ, स्टूडेंट से जो सीखती हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी आगे बढ़ो, सीखो और अपना नाम कमाओ और अपने बिज़नेस को और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करो। थैंक यू। शुक्र गुज़ार हैं हम मैडम निदा और सर कामरान के, जिन्होंने हमें इस इवेंट पे इनवाइट किया, वेलकम किया और हमने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। ट्रेडिशनल लुक है ये आज की, इंशाल्लाह ताला सब भी आए हैं विन होने के लिए, जो यहाँ आ गया वो सब विन ही है। मैं मारिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच कि मैं इनके साथ यहाँ आई और मुझे इस तरह की लुक दी और मैं अच्छी भी लग रही हूँ, बाकी जो अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, जोड़ा पहने तो जोड़ा पहनने से दुल्हन शादी नहीं हो जाती, वो ब्राइडल आज का मॉडल हर कोई जोड़ा तो पहन ही लेता है। देखो मैं माही न्यू लुक से, और आज का जो इवेंट था मैडम नीता ने करवाया और वो बहुत अच्छा इवेंट था। मैं कहती हूँ जो खवातीन घर में बैठी होती हैं उनको निकलना चाहिए घर से, एक तो फैमिली वालों की सपोर्ट हो जाती है, दूसरा ये है कि इन्जॉय बहुत ज़्यादा होती है। जी आजकल जो ये ब्यूटी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें हमने एक न्यू सेगमेंट एक स्टार्ट किया है सेल्फ ग्रूमिंग का, और इसमें हम चाहते हैं कि जो भी बच्चियां यहाँ पर काम सीखती हैं उसको जो है वो प्रॉपर जो है उसके साथ वो काम सीखें और करें, मतलब कि इसको एज फैशन ना लें कि आप आए हैं और आपने इवेंट अटेंड किया और आप चले गए हैं। तो आप इसको याद रखें, एजुकेशनल क्लासेस अटेंड करें और उसका आगे फ़ायदा उठाएं और बाइज़त रोज़गार कमाएं। और यहाँ पर आने वाले जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं और जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो लोग आए और उन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया हमारे इवेंट में, और सब पार्टिसिपेंट्स का भी कि लोगों ने इसमें जो है वो सीखा, यहाँ पर ट्रेनर्स आए उनका भी शुक्रिया। और इस अच्छे इवेंट को हम लोगों ने मीडिया के थ्रू ही जो है वो प्रमोट करना है, और हम मीडिया को भी जो है वो थैंक्स बोलते हैं कि हमारे आप इवेंट में आते हैं और हमें प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच।
देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।